हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वेज कटलेट, या आप इसको ब्रेड कम के कटलेट्स भी बोल सकते हो। इस ब्रेड के कटलेट को घर में बनाना बहुत ही आसान है। आप इसमें अलग अलग तरह की वेजिटेबल ऐड करके इसके कटलेट बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हो। फ्रेंड्स, ये कटलेट आपकी छोटी सी भूख के लिए बहुत ही परफेक्ट ऑप्शन है। ये खाने में बहुत मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी लगते हैं। इसको आप चाय के साथ स्नैक के तौर पर भी खा सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और ये वीडियो आपको ज़रा से भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आज आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर ऑन करके रखिए ताकि मेरी हर रेसिपी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ब्रेड क्रम्स से कटलेट बनाने के लिए ऑब्वियसली हमें चाहिए ब्रेड क्रम्स, तो मैंने घर में ही बनाया है। इसके अलावा हमें चाहिए बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, कड़ी पत्ते को भी हमने यहाँ पे बारीक काट लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरा धनिया और ये फ्रेश ओनियन के पत्ते कुछ लिए हैं मैंने यहाँ पे। इसके अलावा कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। आप इसमें आलू को भी मैश करके ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे चिली फ्लेक्स, और इसमें हमें ऐड करना है 2 बड़े चम्मच सूजी। तो सूजी को मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है। इसके अलावा हमें ऐड कर लेना है यहाँ पे 2 बड़े चम्मच चावल का आटा। तो चावल के आटे से इसमें बहुत अच्छी सी बाइंडिंग आ जाएगी। स्वादानुसार नमक हमने इसमें ऐड कर लिया है। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। तो यहाँ पे हमने सारे मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे सेजवान चटनी। तो यहाँ पे मैंने सेजवान चटनी का पैकेट लिया है, तो इसमें से थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूँगी। 1 चम्मच हमें इसमें ऐड कर लेना है, तो इससे जो कटलेट का टेस्ट है बहुत ही अच्छा आता है। तो इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका एक डो बना लेंगे और इसके हम कटलेट का शेप देंगे। आप अपने पसंद के अनुसार कोई भी शेप इसको दे सकते हैं। तो इसको हमें अच्छे सा एक डो बना लेना है। तो यहाँ पे हमने इसका अच्छे से डो बना लिया है, तो इसको हम 10-15 मिनट तक अच्छे से ढक कर रख देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लंबे साइज के कटलेट का शेप दे दिया है। आप अपने पसंद के अनुसार कोई भी शेप दे सकते हो। कढ़ाई में मैंने तेल गर्म करने के लिए पहले ही रख दिया था। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लिए है ब्रेड क्रम्स। तो इस कटलेट को हम ब्रेड क्रम्स में घोल लेंगे और डीप फ्राई कर लेंगे। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, पूरी प्रोसेस वीडियो में देख सकते हैं। तो सारे कटलेट को मैं इस तरह से ब्रेड क्रम्स में घोल कर डीप फ्राई कर लूँगी। इसके अलावा आप इसमें आलू मैश करके ऐड कर सकते हैं, चीज़ ऐड कर सकते हैं, या कोई भी इसके अलावा वेजिटेबल ऐड कर सकते हो। ये खाने में बहुत क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। आपकी छोटी सी भूख के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो इसको मैं अच्छे से डीप फ्राई कर लूँगी। इस कटलेट की एक साइड डीप फ्राई हो चुकी है, तो इसको हम अब पलट देंगे। तो यहाँ पे ध्यान रहे कि फ्लेम को हमें लो टू मीडियम रखना है। अगर आप फ्लेम को हाई पे रखोगे तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा, तो फ्लेम को हमें लो टू मीडियम ही रखना है। तो दूसरी साइड भी हम डीप फ्राई कर लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे हमने दूसरी साइड भी अच्छे से डीप फ्राई कर ली है। तो प्रोसेस आप वीडियो में देख सकते हैं, बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो चुका है। तो इसको अब हम तेल से बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पे कटलेट की दोनों साइड अच्छे से क्रिस्पी हो चुकी है, तो आप वीडियो में देख सकते हैं। तो इसी स्टेज में हम इसको तेल से बाहर निकाल देंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी हो चुके हैं, खाने में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो इसी तरह हम बाकी की भी कटलेट को डीप फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे ब्रेड क्रम्स के कटलेट बनकर तैयार है। तो आप देख सकते हैं देखने में बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं, खाने में भी उतने ही मज़ेदार और क्रिस्पी लगते हैं। तो आप भी इसको इस तरह से घर पे ज़रूर बनाकर देखिए और अपनी फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।
उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, ये रेसिपी अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। किसी ऐसे ही नई रेसिपी में तब तक हंसते रहिए, खुश रहिए और मोस्ट इम्पोर्टेंट खाते रहिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।